अस्सलाम, मेरा नाम अकरम है, मेरा यूट्यूब चैनल है तेरा ज्योति मोटो व्लॉग। आज है ईद का चौथा दिन। तो एक अब मेरे हमारे जो ऑफिस में ना उनका प्लान बन रहा था कि वो जाएं, पता नहीं कोई कहीं जाना है दरिया द्रू पे, क्योंकि हम निकलते नहीं इतना अपने ऑफिस की टीम के साथ। तो अबू ने प्लान बनाया कि हम चलते हैं, मैं ऑफिस जाके देखता हूँ क्या सीन है, क्या हिसाब किताब है, चल रहा है जाना भी कि नहीं जाना, देखो। और मैंने एक और चीज़ बतानी थी, ये मैं वैसे एक वीडियो बना रहा हूँ। आज है मंडे और ईद का चौथा मंडे के बनता है। तो जो मैंने पहले दो वीडियोस नहीं ना, पहले मैं इसमें डिले करने लगा था, और फिर मैंने ना मतलब मैंने कहा यार चलो कर देते हैं, होता ना एक लालच होती है थोड़ी सी कि यार पहले इसके तो अच्छे से व्यूज आ जाए, फिर बाद में फिर मैंने कहा नहीं यार मैंने वो किया हुआ है, चैलेंज किया हुआ है, कोई नहीं। फिर ईद की ना अच्छा मुझे लोग कुछ कह रहे हैं कि भाई जान आपने बताऊंगी रहने तो दो बार बता दिया, बताने की जरूरत नहीं है मुझे। हाँ जो मैंने एक चीज और बतानी थी कि ना काफी वीडियोस मुझे ना लोग इधर उधर से बताते हैं, खुरम तेरे वीडियोस के ना स्टेटस लगते हैं, तेरी स्टोरीज लगती है, तेरी वीडियोस की चोरी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मेरी जो मैं अपनी बाइक के वो ट्रेलर थोड़ा सा दिखाया था ना 37 सेकंड्स का, लोगों ने इतने स्टेटस मुझे व्हाट्सएप पाए कि लोग ये देखो तुम्हारा स्टेटस लगे, और भी मेरी वीडियोस होती हैं और मेरे स्टेटस लगे होते हैं। खैर मैं उनको रोक तो नहीं सकता, अब लगा ले हम क्या हाथ तो नहीं किसी का पकड़ सकते हैं। और दूसरा मैंने ये कहना था कि वो मैंने इस बल्कि वो जो मेरा पार्ट जो मेरे अब जिस वीडियो मैंने कहा कि मेरे ना ये भी पार्ट वन है, ये अभी कोई मैंने हाफ कमिंग सून लिख देता हूँ, अपलोड कोई नहीं करता। तो बाइक वाला पूरा व्लॉग रेडी पड़ा हुआ, अपलोड हुआ है, प्राइवेट रखा हुआ मैंने, आजकल मैं उसको पब्लिक कर दे रहा हूँ। और दूसरा जो मैंने एक हाँ क्रेजी ड्राइविंग मर्सिडीज लिखा हुआ है, उसका भी मैं कर दूंगा पार्ट, अभी वो मेरा एडिटिंग में चल रहा है वो सारा। और दूसरा और भी है, हाँ एक और वीडियो पड़ी हुई है जिसमें मैंने कहा था कि मैं अपने सालगिरह का, हाँ उसका मैं एक हाइलाइट्स आपको वो अपलोड कर दूंगा, कुछ जो मेरे ना बाकी रह गए हैं जिसमें मैंने टू बी कंटिन्यू लिखा हुआ है, वो मैं कोशिश करता हूँ सब कंपाइल करके ना वो आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करता जाऊँ। और तीसरा ये काफी बातें होगी, और चौथा मैंने ये कहना था मैंने ये कहना था कि काफी लोगों को मेरे इंस्टाग्राम का नहीं पता, अब आया हूँ इंस्टाग्राम पे, मैं थोड़ी सब पोस्ट लगाने शुरू हो गया उसको अपडेट। तो जिन्होंने मेरा मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम, मैं ऐसे नहीं करता, और मैं क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं कि सर आप अपने इंस्टाग्राम आईडी, उनको पता नहीं होता, क्योंकि ना मैं बोलता हूँ कि मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है इंस्टाग्राम का। अच्छा जिसने मेरा इंस्टाग्राम पे है ना मैं लिंक नीचे होता है मेरा, उसको जहाँ पे मेरा टाइटल नहीं होता कि फलां मैं क्रेजी ड्राइविंग जहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उसको आप प्रेस करेंगे ना एरो को नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन पे ना आ रहा होगा, फेसबुक की आईडी में देता हूँ क्योंकि पेज मेरा उसके अंदर ही बना हुआ है, और इंस्टाग्राम का मेरा लिंक नीचे आता। और चौथा क्या कहना था मैंने, हाँ मैं हर वीडियो में क्योंकि मेरे कंटेंट वीडियो मेरी ऑडियंस मेरी सारी ये है, क्या नाम है इसका, गाड़ियों की, तो फिर मैं किसी ना किसी ब्लॉग में टच रखता हूँ, मर्सिडीज लिख देता हूँ, प्राडो लिख देता हूँ, सिविक लिख देता हूँ, मतलब सिटी क्योंकि मेरा सारा जो भी है मेरी ट्रैफिक गाड़ियों की, इसलिए मैं टाइटल में थंबनेल में ये करता हूँ, वरना क्योंकि मैं प्रोफेशनल ब्लॉगर तो नहीं हूँ कोई ऐसा। और वो दूसरा पार्ट रह गया उसका, जहाँ पे मैंने कहा मरी आज तो हो गया वो वाला, उसका मैंने हाफ पार्ट किया, बाकी दूसरा पार्ट मैं अभी एडिट कर रहा हूँ, वो भी अपलोड करना, ये मैं आज ही अपलोड कर देंगे ये वाली, हालांकि उस वीडियो को अपलोड हुए कुछ ही टाइम हुआ है, तो ये नहीं आज नहीं करूंगा इस वाली वीडियो, ये आज मंडे है, ये ट्यूसडे वाली दिन कर दूंगा ये अपडेट वीडियो, बाकी वो फर्दर आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा था वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अकरम है और इसका नाम बगैरत है नहीं, आज हम ना खुरम भाई के साथ जा रहे हैं इचने और आज इसका दूसरा चौथा दिन है, और तीन दिन तो हमने अपने फैमिली के साथ ऑफिस में गुजारे हैं, और कल रात
हमने ये प्रोग्राम बनाया था कि हम चुनियोट मछली खाने का। हमने इन्होंने कहा चुनियोट जाना, मैंने कहा मैंने चुनियोट नहीं जाना। इन्होंने मैं ना अली भाई को, हमारे अली भाई जिनके इतने बड़े बड़े लंबे लंबे बाल नहीं, शायद आपने देखा होगा अच्छा, तो वो ना इन्होंने कहा कि उधर ही जाना है देखने, मछली खाने जाना है। मैंने अली भाई को कहा भी है, मैंने कहा रहने देते हैं, मरी मुरी चले जाते हैं। आज आज ईद का चौथा दिन है और आते खबार हो गए ऐसी। आते खावा सानू रास्ता जरा रुको, ये देखे कितना, इतने इतने बड़े टोए हैं, ये टोए हैं इतने बड़े बड़े। ऊपर से हमारी गाड़ी भी देखे किस तरह की है, और अबू पराडो में चले गए आगे। अब फ्रंट पे मिलते हैं आपको, रोड देख लिया आपने, और मैं तो बोलना भी नहीं आता थोड़े सामने सारे, नहीं तो मैं ना बोल देना। अच्छा वो मेरे सबसे छोटे चाचू हैं वो वाले, और ये फखर है, और इसको आप जानते हैं, ये इसने मेरा लास्ट व्लॉग इसने शूट किया था, इस पर बहुत ज्यादा हवा चल रही थी, और ये मेरा छोटा भाई है। और हम मर्सिडीज में रहे हैं, किसमें जा रहे हैं? मर्सिडीज पे। मर्सिडीज यार क्या मसला है, मर्सिडीज आप मर्सिडीज पे जा रहे हैं, मेरे तो दिमाग में दर्द स्टार्ट हो गया, इतना गंदा रोड इतना है कि जैसे हम कई डब्बे में जा रहे हैं। अच्छा हुआ क्या, मैंने कहा अच्छा सफर हमने को 30 किलोमीटर किया ना भाई, 30 किलोमीटर किया 3 घंटों में, 3 घंटे अच्छा मैंने कहा यार हमने सफर के दो ही फर्ज पड़ने, 30 किलोमीटर सफर किया था, मैं लंबा बहुत हो गया मेरा, इतना गंदा चनियोड का रास्ता, आप में से कोई ना है बंदा, मेरा तो हाथ थक गया। ये देखे चनियोड आ गया, यहाँ पे लिखा है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो मेरे वो जा रहे हैं प्राडो के, वो मेरे पीछे पीछे भी लगे, वो प्राडो जा रहे हैं। हाँ भी सही, ये चनियोड है जी, देख लें आप तहसील चौक रही। इतनी पास पहाड़ देखे, मैं आया हूँ कोई 9 साल बाद, हल्की झलक देखी थी मैंने तब पहाड़ों की। ये पहाड़ वो है, ये हम चिनोड़ में आ गए और ये पुल के ऊपर है, हम चिनोड़ के सामने पहाड़ है, और ये हमारे क्योंकि मुझे इसका कोई इतना कोई पता नहीं है, ये पहाड़ आ गए, दरिया भी देख दिखा, देख लेते क्या कस्तूरी है इसके इधर, क्या कस्तूरी है? वो चेयर लिफ्ट भी है, चेयर लिफ्ट किधर है भाई? वो देखो, वो देखो सामने, वो दरमियान जी ग्रो गया है ना, ये इतनी खड़ी है, निकल गया, राइट साइड पे मुड़ने लगे। अब आपको जो पॉइंट है उधर पॉइंट पे जाके मिलते हैं फिर, ओके बाय। मुझे क्योंकि इसकी हिस्ट्री के बारे में इतना पता, मैं इसलिए बोल ही नहीं रहा, फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, मछली खाने आए हैं भाई दरिया के किनारे, वो भी स्टॉल बाहर हो गए, इतना गंदा रास्ता, मैंने तो गाड़ी नहीं चलाई, मैं शुरू में दिल ही नहीं कर रहा था गाड़ी। ओके आपको ओके उधर जाके मिलते हैं। अच्छा मैंने अभी अभी भी पढ़ा है, ये जो मस्जिद है ना ये वाली, इसकी मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ क्या है इसकी, ये हिस्ट्री है, इसको रोज के 5 मजदूर लगते थे, अभी अभी बनी है, अभी अभी बनी है इसकी, ये हिस्ट्री है। अब हम इतने दूर से हैं, सारे इनके जो है बंद स्टॉल लगे हुए, स्टॉल बंद है, पर हम खुलवा लेंगे, कैसे खुलवा लेंगे, हमारी गलबात है, जितनी हमारी गलबात है ना हम ये स्टॉल खुला लेंगे, क्योंकि हमारी माशाल्लाह गलबात बहुत है, हमारी फैसलाबाद से लेकर चनियोड़ तक गलबात ही गलबात है, तो लिहाजा हमारी जो गलबात है ना हम गलबात की वजह से चनियोड़ आए हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारी गलबात कहाँ तक चलती है, अच्छा अब हम आ गए, हमारे साथ एक हैंड हो गया, जब आए सब कुछ बंद पड़ा हुआ है, हमें ये देखे ये मिला है, ये हमारी सीख है, ये फैसलाबाद से इतनी दूर से आए हैं,
ये सिर्फ मछली खाने का रास्ता कैसा था? रास्ता बहुत बढ़िया, अरे बहुत गंदा है। ये केचप, ये रायता है और ये कोल्ड ड्रिंक है। चलो देखते हैं अब क्या होता है। नहीं नहीं मजाक कर रहे हैं, बंद तो है पर हमारे इधर है हमारे अब्बू के जो है दोस्त, उन्होंने कहा कि खूब खुलवा देंगे हम। मैं ना फिर इधरों से गया चले जी अब चलते हैं। मेरे तो शूज खराब हो गए, नए नए वाले शूज वो खड़े हुए हैं। अली भाई वो है, आपको बताऊं जिसने मुझे मशवरा दिया था, अब्बू के सामने पहली बार व्लॉग बनाने लगा हूं। मैं दस्या मैं कहने बहुत लंबे लंबे बाल वीडियो शर्म आ गई। जब अब्बू के सामने कहा ना क्या सोमी इधर है, वो देखो क्या पी रहा है सोमी, वो देखो गंदा गंदा पता नहीं क्या पी रहा है। अब्बू ने मना भी किया भाई से पीना नहीं कुछ, तो मैं नहीं पींदा भाई। नहीं 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 कोई गाड़ी में बैठने लगा, मेरी प्राडो भी गंदी हो गई है, गड्डी चाबी नहीं, मेरी मर्सिडीज भी गंदी होगी, इतने जंप लगे ना मेरी मर्सिडीज को। अब ये बाहर ही खड़े हैं, गर्मी बहुत है, मैं ऐसे चला के बैठे। ये हमारा प्रोटोकॉल है, ये दिखा रहे, मैं कुछ चीजें शो ऑफ करनी चाहिए ना, कुछ नहीं करनी चाहिए, कुछ शो ऑफ करनी चाहिए। और अबू आ गए, अबू आ गए, हमारा प्रोटोकॉल आ गया। देखा हमारा प्रोटोकॉल कितना है, स्पेशल हमारे लिए खुल रहा है। आपको दिखाऊं, वो देखिए खुल गया हमारे, उधर वो फिक्र बताइए फिक्र साहब हमारे लिए सब कुछ। और ये हम चिनोट आ गए हैं माशाल्लाह, जिन लोगों ने हमें बुलाया है ना वो अली भाई हैं, और उन्होंने आगे गाड़ी लगाई हुई है कैडा अपना डाला सार्जन का, सॉरी याथुन मारा सार्जन का डाला लगा हुआ है। और ये सिर्फ हमारे लिए, ये हमारे लिए खुला है, सिर्फ हमारे लिए खुला है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, ये देखें बिल्कुल क्लोज हो जाता है। बैरियर कैसे हटा रहे हैं, बैरियर हटा रहे हैं हमारे लिए, हमें प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ फैसलाबाद से लेकर चिनोड़ तक हमारी बड़ी गलबात है। तो इस गलबात को हम कायम रखते हैं। ये देखिए इन्होंने बैरियर हटा दिए सिर्फ हमारे ही लिए, तो ये है प्रोटोकॉल, इसे कहते हैं कि हमारी गलबात। वो देखिए पीछे से बंद कर दिया दोबारा, और उन्होंने पीछे से बिल्कुल बंद कर दिया, बैरियर बंद कर दिया। और ये देखें जी वो आगे गाड़ी जा रही है, उन्होंने रोका है, अब वो पुलिस वाला सलाम कर रहा है। ये देखिए कुछ लोग कहते हैं मैं शो ऑफ कर रहा हूं, लेकिन ना हम झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हमारी फैसलाबाद से लेकर यहाँ तक है ही गलबात है, और हम गलबात की वजह से ही हम तरक्की कर रहे हैं। क्या हम गलबात की पैसे लेते हैं, हम सिर्फ गलबात के पैसे लेते करते हैं, हमारे पास काम को कोई भी नहीं है ना, हम काम करते हैं। अब ये जा रहे हैं, ये कोई फाटक है इनका, वो ये इतने प्रोटोकॉल दिए हैं, मैंने आम वीडियो में बताए हैं भाई, नहीं कुछ इनको कुछ चीजें मैं अपलोड ही नहीं करता, मैं मुझे पसंद नहीं है कि मैं दिखावा। अच्छा इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, कनाडा से पढ़ गया है ये, और इसने MBA किया कनाडा, BCom किया, और BCom कैसे किया, कैसे किया BCom? इज गुड लुकिंग, इज फ्लावर, इज लंदन, इज बेस्ट, इज हॉस्टल में रहता रहता था मैं, और इज वेल, इज
गुड लुकिंग इज फ्लावर इज पाकिस्तान इज कटामिटी फक फक इज कभी तो दी कभी ना तो दी शट अप नॉनसेंस मशरूम दुनिया ये इज वेल इज मेरे में अंदर ये लफ्ज उठते हैं तो इसलिए मैं इनको जगा रहा हूं। अच्छा आपने बीकॉम पूरा किया है? मैंने अद्धा किया है। कैसे? बाकी गल बात है हमारी। नहीं नहीं बीकॉम कैसे लगे? क्या बी पीछे ये सामने दिखाई दे दरबार खुल रहा है सिर्फ हमारे लिए। ये भी दिखाए ना फ्रंट पे। हाँ देख रहे हैं देख रहे हैं। ये सिर्फ हमारे लिए है। सिर्फ हमारे लिए देखिए कोई बंदा नहीं है क्योंकि बंदा है ही कोई नहीं। सारे खुश रहे हैं? नहीं देखिए हम तो बंदे हैं। अच्छा लेकिन बंदा है ही कोई नहीं। देखिए हम बंदे हैं और ये देखिए सारा बैरियर लगे हुए हैं। ये देखिए डाला घूम गया है जैसे ही घूमा चुप ओके आपको मिलते हैं किसी की अगर गल बात चुप कर आगे मिलते हैं आपको दरबार में मिलते हैं। ओके सब ये देखे हमारे बैरियर ये देखें बैरियर हटाए जा रहे हैं हमारे लिए। ये गाड़ी है आगे जो हमें प्रोटोकॉल दे रही है। ये देखिए गाड़ी निकल पड़ी है। अब ये पीछे से हमारी प्राडो है आपको नजर आएगी। आराम जो लोग हैं वो खड़े हैं तो हमारे लिए जो है ये रास्ता छोड़ा हुआ है। और ये देखिए ये हमारी सिक्योरिटी के लिए भी ये जरूरी है। अच्छा जी अब हम आगे हैं जी चिन्योर। मैं इनको मना करता रहा कि नहीं आना पर मानते किसी जी अब निकलने लगे हैं। खाना अब घर जाके खाएंगे। ये इंसिस्ट कर रहे हैं ये जो हमारे ये आपने खाना खाते हैं कैमरा नहीं हमने खाना नहीं खाना हम घर जाके खाएंगे। अच्छा अब हमारे पास भी हमारे जहाँ पे हमारा घर है ना पहले हमारा इधर जू टाइप बनाया था हमने बंदर रखा हुआ था। अच्छा मोर रखे हुए थे हमने पीकू कहते हैं इसको। अच्छा मोर अच्छा हमने बंदर रखे हुए थे हमने मोर शुतुरमुर्ग रखा हुआ था और कबूतर रखे हुए थे। ये बंदर ओए ना काट दियो काट दो यही हमारी जो है ना गल बात है। फैसलाबाद से निकले चिनोर तक आए हैं टोटल हमारी गल बात के सिर पे हमारे प्राडो वो देखिए प्राडो के साथ पिक्चर खिंचा रहे हैं पुलिस वाले जो है ये वो देखिए अच्छा जी हम वापसी हो गई हमारी खबर हो गए कुछ भी नहीं देखा मैं मना करता भी रहा मेरी गल उठी है जो जफड़ी खान थी ना मेरी गल तेरी बुद्धि थी। अच्छा तो अब ये देखिए रोड ये भी इन्होंने ना कोई नया शॉर्टकट लिया था वो भी खराब है चेक करें कितना ये अब ये गड्डी और अब हम जा रहे हैं ये फखर है इसको आपने देखा हो अपना वीडियो पूरा मुंह में लेना वा चले छोटा मुंह ले आते हैं भाई क्या मसला है ऐसा ही अच्छा अपना ले जा रहे फखर जो हमारी गल बात है ना वो फैसलाबाद से लेके चिनोर तक हमारी वही गल बात है हमारी आपने गल बात देख ही ली होगी
ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕੇ ਸਾਥ ਬੋਸ ਮੁਝੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਬਾਤੋਂ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੇਂ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਹਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵਧਣੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ये रोड बहुत गंदा है लेकिन ये रोड हम दूसरे रोड पे आ गए हैं अल्लाह करे जी बाईपास है ये चिनोड़ का अल्लाह करे ये रोड सही ही हो ये देखिए जी वो प्राडो जा रही है ठीक है और ये खुरम साहब है जो मैंने अल्लाह हाफिज कहना था अल्लाह हाफिज कहना था हम चिनोड़ से आप वापस ओके बाय अल्लाह हाफिज गलबात खत्म ठीक है फिर गलबात खत्म है हमारी भाई यहाँ तक हमारी गलबात है जो टोटल हमारी जो गलबात है वो यहाँ तक दे बंद हो गई इसलिए ओके जी इस वक्त रहता हूँ।